ये हौसलों की उड़ान है। हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, बस दिव्या हमारे जीवन में आ जाए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और कहा सुना, माफ कीजिएगा पंडित जी, ये आपके पैसे, वैसे हमें ये रिश्ता मंजूर है, निर्धारित समय पे ही कल बारात आएगी और फेरे भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सब जो आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, शादी के बाद अगर दिव्या को कोई भी तकलीफ पहुंची तो आपके नाम पर पहले से FIR दर्ज, सबसे पहले हथकड़ी आपको ही लगेगी। अरे बिटिया तू चिंता मत कर, जो हुआ सो हुआ, अब तो हमें हमारे बेटे और बहू की खुशी और सुख के लिए सब कुछ करना है। दिव्या को कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये हम आपसे वादा करते हैं। चलिए फिर हमें आज्ञा दीजिए, आइए। बेटा हम तुम्हारा उपकार कैसे चुका पाएंगे? बेटा हमें तो लगता है कि हमारी प्रार्थना तुम्हारे रूप में साक्षात हमें मिल गई है। अपना ख्याल रखना बेटा और सदा खुश रहो बेटा। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये असंभव संभव हो पाएगा, ये सब तुमने कर दिखाया बेटा। काका, काकी, हमने कोई उपकार नहीं किया, हमने वही किया जो हम कर सकते थे। उपकार तो आपका है जिन्होंने हमें मौत से बचाया, और हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। काका हमें चलना चाहिए, हमारा परिवार हमारे लिए परेशान होगा। दीदी आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? फेरों तक तो रुक जाओ, अगर हमारी बड़ी बहन होती तो वो भी हमारे लिए यही करती ना जो आपने किया। दीदी हमने कुछ नहीं किया, हमने वही किया जो एक बड़ी बहन का फर्ज होता है, और तुम तो बिल्कुल हमारी छोटी बहन जैसी हो ना, तो हम तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी बहन इमली के लिए करते हैं। हमारी इमलू भी हमसे बहुत प्यार करती है। काका काकी अब हमें जाना चाहिए, हमारे माए बापू, हमारा मंगेतर सूरज सब हमारे लिए बहुत परेशान होंगे, हमारी राह देख रहे होंगे। क्या हुआ, किसे फोन कर रही है? दिमाग खराब है तेरा? वही नंबर डायल कर रही है जिस नंबर से चकोर ने फोन किया। दिमाग है? छोटे मालिक आपकी तो तबीयत खराब है, आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं? अगर बड़ी मालकिन ने आपको ऐसे देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करी है। अरे तबीयत हमारी तभी ठीक होगी जब हमें चकोर के बारे में पता चलेगा, और कहीं बाहर नहीं जा रहे हम, इस हवेली में ही ढूंढने वाले, शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे ये पता चल जाए कि चकोर कहाँ गई है। चकोर बेटिया अपना ध्यान रखना और घर पहुंचकर याद से फोन कर देना। दीदी हमें अपने ब्याह में बुलाना मत भूलना। ये लो बेटा इसे अपने साथ रखो। ये क्या है? हम तो खाली हाथ आए थे ना। माँ के घर से बेटियां खाली हाथ नहीं जाती, इसमें तुम्हारे लिए सारी है और तुम्हारे घर वालों के लिए मिठाई है। धन्यवाद काकी, काकी आपने तो हमें अपने प्यार के पल्लू में बांध लिया, फिर इस साड़ी की क्या जरूरत थी? हमने भी आपके लिए कुछ बनाया है अपने हाथों से। वाह दिव्या ये तो बहुत सुंदर है, अपना ध्यान रखना। चकोर बेटी अब मेरे ख्याल से आप हमको निकलना चाहिए, क्या कि नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। जी हम चलते हैं। नमस्ते, आप कहीं जा रही हैं?
देखिए जाते जाते किसी को टोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक फॉर्मेलिटी अधूरी रह गई थी। उस उबातिया वाले केस में आपके दस्तखत की जरूरत है। जी सर। एक मिनट सर, काका ये वही इंस्पेक्टर है जिनके कारण संजय और दिव्या की शादी होने जा रही है। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपकी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। भगवान आपको खूब तरक्की दे। कमल नारंज, हमने काम के बीच में इस तरह वादा मत डालिया। देखिए एक फोन कॉल से हम चकोर का यहाँ आना हमेशा हमेशा के लिए रोक देंगे, इसलिए इस तरह हड़बड़ा बंद कीजिए। देखिए ये तो मेरी ड्यूटी है। वैसे आभारी आपको चकोर जी का होना चाहिए जिनकी निडरता ने इतना बड़ा काम इतनी आसानी से कर दिया। सर खुशी तो हमें इस बात की कि अब कभी भी पंडित जी के परिवार को कोई भी मदद की जरूरत हो तो इस बनारस में उनके पास एक ऐसा ईमानदार ऑफिसर है जिनके पास वो जा सकते हैं। सर हम निकलते हैं, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। आप कहीं जा रही हैं? जी हम अपने घर जा रहे हैं, अपने परिवार के पास। तो चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ स्टेशन पर, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। आइए। हेलो दीदी, आपकी बहन इमली का फोन है। इमली हेलो, इमली तू सचमुच हमारी इमली बोल रही है? इमली हम चकोर बोल रहे, इमली हमें कुछ नहीं हुआ, हम जिंदा है, हम मरे नहीं है इमली, हम वापस आ रहे इमली, तुम सबके पास वापस आ रहे। हमारी बात गौर से सुन, तू यहाँ कभी वापस नहीं आएगी संधि चकोरिया, कभी नहीं। इमली वापस नहीं आ सकते, कैसी बात कर रही है तू? क्या बोल रही है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। हम तो अभी स्टेशन ही जा रहे हैं घर वापस आने के लिए। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कछु मत करना, भगवान के लिए यहाँ वापस मत आना। हम जब तक तुमको ना बोले वहां से बिल्कुल मत निकलना और किसी को फोन करके कुछ बताना भी नहीं। दीदी देख, हम तो को सारी बात ना बाद में बताइए, आराम से फोन करके बताइए, लेकिन अभी हम जो तुमको कह रहे उसे ध्यान से सुनो और वहां से बिल्कुल मत निकलना। हम तुमको बाद में फोन कराते, कमल नारायण और सूरज बस यहीं आ रहे, हम रखते। किसको बता रही थी कि हमारे? किसका फोन था? वो सूरज अपनी माई का फोन था। वो बहुत चिंतित थे हमें लेकर, एक तो दीदी का कोई पता नहीं चल रहा, ऊपर से विभान की हालत भी ठीक नहीं हो रही। वो कह रही थी कि हम उनके घर आ जाए रहने के लिए, कैसे जा सकते हैं? हम आपको और विभान को अकेला छोड़ भी तो नहीं सकते थे। हम क्या क्या हुआ सूरज, कुछ चाहिए क्या? कुछ चाहिए होता तो हमें आवाज दे देते। ढूंढ रहे हैं हम। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ भी मिल जाए यहाँ पे जिससे ऐसा मालूम हो कि मतलब चकोर के बारे में पता चले कहाँ गई है वो, कुछ भी मिल जाए। फिर से? जब तक चकोर नहीं मिलेगी हम आराम से बैठ नहीं सकते हैं, हमें ढूंढना है और हमें यकीन है कुछ ना कुछ मिलेगा, हमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा जिससे पता चलेगा कि चकोर है कहाँ। ठीक है सूरज, तुम कोशिश करते रहो, भोलेनाथ तुम्हारी सहायता करे। Thank you.
चकोर, ये झुमके तुम पहना दो। चकोर, क्या हुआ? बार बार फोन क्यों देख रही हो? सब ठीक है ना? हाँ काकी, वो हम नहीं पहनाते। सॉरी, माफ करना। दिव्या, अरे सुनो, बारात आ गई। और हाँ, पता है तेरा दूल्हा इतना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। चल देखते हैं। दीदी, आप भी चलेंगे हमारे साथ? दिव्या, तुम जाओ, हम बाद में आते हैं। चलो चले। चकोर, ये पैसे हैं मिलनी के, इसे तुम आरती की थाली में रख दो। और बेटा, ये शादी तुम्हारे कारण ही हो रही है। अगर तुम नहीं होती ना, तो हमें इतनी बड़ी खुशी नसीब नहीं होती। और इसीलिए मैं और दिव्या के बाबूजी चाहते हैं कि दूल्हे की आरती तुम ही करो। क्या बात, तूने फोन क्यों नहीं किया? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। इमली, बताना, हम आजादगंज वापस क्यों नहीं आ सकते? क्या बात है, हमने सबको फोन लगाने की कोशिश की, मगर कोई हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा? इमली, कोई तो जवाब दे। इमली, कुछ तो बता। बताना इमली, इमली कुछ तो बोल। दीदी, दीदी वो कहा है ना कि हमने तेरा नंबर हर किसी के फोन से ब्लॉक कर दिया था, ताकि तू किसी को भी फोन ना कर पाए। क्या, कैसी बात कर रही है तू इमली? हम क्यों वापस नहीं आ सकते? क्या, बहुत डर गए थे दीदी कि कहीं तू हमसे बात करने से पहले किसी और से बात ना कर ले और यहाँ ना आ जाए। कह के दीदी, अब तो रिले तोरा आजादगंज सुरक्षित नहीं है। जिस जगह पर हमारी बहन है, हमारा सूरज है, वो जगह हमारे लिए सुरक्षित कैसे नहीं हो सकती? अब तो को कैसे बोले की जगह अब तोरे लिए सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे तोरी जान को खतरा है। तुझे कैसे समझाए कि जिसे तू रक्षक समझ रही है, वो दरअसल तेरे लिए भक्षक बन चुका है। क्या, कैसी बात कर रही थी उम्मीद? कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलना, क्या बात है? दीदी, ये हम तक को कैसे पता? नहीं, जो भी है जल्दी बताना, लगता है बिजली जाने वाली है। दीदी, कपल नारायण और सूरज सूरज एक हो चुके। वो दोनों ने तुमको मारने की योजना बनाई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तोरी सौकट खा कर कहते कि अब जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। सूरज तोरी जान का दुश्मन बन चुका है दीदी। इमली, ये कैसी बात कर रही है तू? सूरज हमारी जान ले गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो हमसे प्यार करता है। तू क्यों बोल रही है ये सब? तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तू सूरज को फोन दे, हम उससे बात करेंगे। दीदी, हम सच बोल रहे हैं, ऐसे मामले में झूठ काहे बोलिए? दीदी, हम सच कह रहे हैं कि सूरज तेरी जान का दुश्मन बन चुका है। दीदी, उस दिन भी अच्छा होएगा वहाँ कि सूरज को जब तू फोन की
कि वो तो रब फोन नहीं उठाए और हम उठाए। हम सच बोले तो हम तुरी आवाज सुनकर हम बहुत खुश हो गए थे, पर हमारे गले से एक आवाज तक नहीं निकल पाई। कहे के हमारे सामने सूरज था ना दीदी, अगर सूरज का पता चलता ना कि तू जिंदा है तो वो वहां पहुंच जाता और फिर तुमको मारने की कोशिश भी करता। करम का तो सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि सूरज तोरी जान का दुश्मन बन चुका है। उस दिन भी उस सूरज ने पहले बुझाकर तुमको उसी जगह बुलाया जहां पर उसने तोरी मौत का बंदोबस्त कर रखा था। दीदी 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 अब हम फोन रखते, दीदी अब तुमको बाद में फोन करिए, शायद सूरज यहाँ पे आ ही रहा है। अब तुझसे और बात नहीं कर पाई, पर दीदी एक बात का ध्यान रखना कि किसी को भी फोन मत करना और गलती से भी आजादगंज में नहीं आना। और दीदी अगर तुमको कुछ होएगा तो हम मिल गई कमल नारायण राजवंशी की उत्तराधिकारी, मिल गई भाई, मिल गई। याद है इमली, हमने तुझे एक नया नाम दिया था, क्या था वो? प्यारी बहुरानी। वाह वाह वाह, सच में क्या चाल चली है रे, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अच्छा तूने जब हमारा नाम लिया, छिपकली से ये कहा कि कमल नारायण राजवंशी और सूरज इन दोनों ने दीदी तुझे मारने की योजना बनाई, हम अचंभित हो गए। बाद में एहसास हुआ हमें कि जो तेरी बहन है छिपकली, उसके हम बहुत ही पुराने दुश्मन हैं। हमारा नाम लिए बगैर वो सूरज पर शक नहीं करेगी। वाह रे वाह, झूठी धोखेबाज। सच ये है कि तुम अपने बच्चे को बहुत पहले खो चुकी हो और दुनिया की आंखों में धूल झोंकती आई हो। कमल नारायण, उस चकोर ने हमारा और विवान का जीवन बर्बाद करके रख दिया। अब हम भी उका सूरज के साथ कभी देख नहीं सकते, उका और सूरज कभी एक होने नहीं देंगे हम। और हमका विश्वास कि वो चकोर बहुत जल्द हमारी कहानी पर भरोसा कर लेगी। कहे के वो सोच भी नहीं सकते कि उगी सगी छोटी बहन का इतना बड़ा झूठ बोल सकते, इतना बड़ा धोखा दे सकते। और अगर एक बार वो चकोर मान लेना कि सूरज की जान का दुश्मन बन गया, तो बस फिर हम उसका समझा दी कि वो फिर कभी आजादगंज में पैर ना रखे। तूने सच में ये हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया है। बोल क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए बता। ना कमल नारे, हमने आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने जो कुछ भी किया है वो अपने लिए किया है। कह के हम नहीं चाहते कि चकोर हमारी जिंदगी में वापस आए, हमारी जिंदगी में जहर घोले, हम नहीं चाहते ये। कह के जब तक वो यहाँ थी ना, सबके दिलों में वो राज करती थी, हर कोई चकोरिया चकोरिया करता था। माए बापों की लाडली चकोरिया, इस हवेली की बहू सबकी प्रिया चकोरिया, इस आजादगंज की मसीहा चकोरिया, यहाँ तक कि हमारा पति हमारा विवान, उसको अपनी पत्नी से ज्यादा उस लड़की पे भरोसा था, वो लड़की चकोरिया। बस जब तक वो यहाँ थे ना, हम उसकी छाया बनते रहे, कोई हमको जानता ही नहीं था, हर कोई चकोरे चकोरे करता था, मगर अब बस, अब कोई भी चकोरे के गुणगान नहीं गाएंगे, बहुत हुई गवाह। जिसे तू रक्षक समझ रही है वो दरअसल तेरे लिए भक्षक बन चुका है, भक्षक बन चुका है, भक्षक बन चुका है। कपल नारायण और सूरज एक हो चुके हैं, वो दोनों ने तुमको मारने की योजना बनाई थी, तोरी सौगंध खा कर कहते क्या जो भी कह रहे हैं सच कह रहे, सच कह रहे, सच कह। सूरज तेरी जान का दुश्मन बन चुका है दीदी, दुश्मन बन चुका है दीदी, दुश्मन बन चुका है दीदी।